रेले हर बोलो मुँह सुनी हमने कहानी थी सही में बहुत गर्मी है भोपाल में, जबकि अभी समर सीजन अभी शुरू हुआ है। फरवरी में ये हाल है, अप्रैल और मई में क्या हाल होता होगा भाई, लेकिन कुछ भी कहे गर्मी बहुत है। आज की जर्नी होने वाली है इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की, जो हबीबगंज भोपाल से नई दिल्ली के लिए चलती है। और इस ट्रेन का फर्स्ट रन हुआ था इन ईयर 1988 में, और करेंट में नॉर्दर्न रेलवे इसे ऑपरेट कर रही है। मैं इस ट्रेन को बोर्ड कर रहा हूँ भोपाल से, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जर्नी के दौरान। और हाँ, खास बात इसमें खाना भी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं वो भी देखेंगे। सो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि। वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। बीएकटर प्लेटफॉर्म से मैं एंटर किया हूँ। प्लेटफॉर्म की साफ सफाई बड़ी जबरदस्त है, और ये फुट ओवर ब्रिज भी देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। संभावना है अनाउंसमेंट, धन्यवाद। अनाउंसमेंट आपने सुना, 3:13 पे भोपाल स्टेशन पे आई है। चलिए, अभी नीचे जाने से अच्छा है, ऊपर में कुछ हवा आ रहा है। बहुत गर्मी है भाई, सही है। और कुशीनगर एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो रहा है। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे, अब थोड़ी जान में जान है, प्यास लगी थी। बोलिए, ट्रेन नंबर 01015 कुशीनगर एक्सप्रेस कल्याण सेट के वेब 7 लोकोमोटिव साथ चलती है, जस्ट आई है अभी। 3:05 टाइम था, 2 मिनट बिफोर आई है यहाँ पे भोपाल। इसके बाद आएगी हमारी भोपाल शताब्दी इसी प्लेटफॉर्म पे। और कुशीनगर एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है 2 नंबर से, और हमारा भी 3:09 हो चुका है, और हमारी ट्रेन भी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हुआ है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड स्टॉल पे आपको समोसे कचौड़ी बहुत कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। और मेरी जर्नी होने वाली है चेयर कार में, और मेरी कोच है C12, और सीट नंबर है 40 विंडो साइड। फोर्टी विंडो साइड। क्या नाम है बाबू? नाम बताओ। नाम क्या है? चलो, तुम्हारा नाम क्या है? और ट्रेन हमारी भोपाल से रवाना हो चुकी है। चले, मैं फटाफट इस ट्रेन की छोटी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ट्रेन नंबर 02001 भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जो हबीबगंज से 2:03 खुलती है, और ठीक रात में 11:55 पे होंगे आप नई दिल्ली। 709 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 8:55 पे। हफ्ते के 7 दिन चलती है हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच में, इसके टोटल 7 हॉल्ट्स हैं। और जहाँ तक स्पीड की बात करें तो इसका एवरेज स्पीड रहता है 79 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम
150 किलोमीटर पर आवर, जी हाँ 150 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। इंडिया की सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन भी है ये, इसे 14 कोच चेयर कार के हैं और दो एक्सिक्यूटिव चेयर कार के। और फेयर की बात करें तो चेयर कार का फेयर है 1000 और एक्सिक्यूटिव चेयर कार का 2170। इसमें पेंट्री कार नहीं है बट आपको खाना प्रोवाइड होता है। मैं वहाँ की सीट छोड़ के 34 में बैठा हूँ, ट्रेन खाली है। अलग से कॉस्ट पे करना होगा, जैसे शताब्दी में खाना मिल रहा है बट आपको अलग से पे करना होगा। जैसे हमारे भाई सब बेच रहे ये इसको, लेकिन पहले जो कोरोना काल के पहले था आपका जो भी जो फूड था, फूड मिलता था, चाय कॉफ़ी एक पानी की बोतल भी मिलती थी, वो टिकट पर इंक्लूड हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल इस कोविड-19 में आपको अलग से पे करना होगा। एक पानी की बोतल तो दे देते हैं, पानी की बोतल भी लगता नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख रहा हूँ। कोच की साफ सफाई अच्छी है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है। बाकी आपकी सीट के पास आपको यहाँ पे कर्टेन मिल जाता है, आप चाहे ऊपर भी कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप नीचे से लगा सकते हैं। ऐसा डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे आपको सूचित किया जाएगा कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, कितने किलोमीटर पे है। चेयर कार में 78 की सीटिंग कैपेसिटी है, 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है, लेग रूम स्पेसियस है, लेकिन पैर आप उसे चला सकते हैं। फुटरेस्ट दिया हुआ है, वाटर बॉटल स्टैंड है, मैगजीन उगजीन रख सकते हैं, ट्रे को यूज कर सकते हैं खाने पीने के लिए। वॉशरूम के बगल में हैंड सैनिटाइजर दिया हुआ है, आप अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ ऋषि ना, मैं इस चैनल को आपके सब्सक्राइब किया हूँ। चलो धन्यवाद भाई, ये देखो हमारे हमारे सब्सक्राइबर मिले, बहुत बढ़िया लगा। मिले क्या नाम है आपका? बसंत दे। कैसा लगता है वीडियो, अच्छा लगता है? बहुत सही है सर। ठीक सांची रेलवे।
ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है ललितपुर जंक्शन। जी हाँ, यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्टेशन कोड है LAR। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करती है। पाँच बज के 22 मिनट पर टाइम था और ट्रेन कह सकते हैं 10 मिनट लेट आई है ललितपुर जंक्शन। यहाँ से खजुराहो और सिंगरौली के लिए भी रेल लाइन निकली है, इसलिए ललितपुर रेलवे स्टेशन को ललितपुर जंक्शन भी कहते हैं। और यहाँ से निकलने वाली पॉपुलर ट्रेन की बात करें तो शताब्दी तो है ही, उसके साथ यहाँ से सचखंड एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस, पंजाब मेल और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया है ललितपुर जंक्शन के पास। ट्रेन का हॉकिंग सुन रहे होंगे, ट्रेन हमारी रवाना होगी ललितपुर जंक्शन से और 5:22 टाइम था, बट ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट लेट आई थी और ट्रेन की ये दूसरी हॉल्ट थी। बज के 25 मिनट पे टाइम था, झांसी जंक्शन पहुंचने का, ट्रेन राइट टाइम पहुंची है। बुंदेले हर बोलो मुँह, सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का झांसी में। स्टेशन का तो बहुत सारा डिटेल्स हमने बातें की हैं, इस रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा डिटेल दे चुका हूँ, डिटेल से बातें की हैं, तो इस बार छोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा लग गया है भूख, कुछ खाने का उपाय करते हैं। सोच रहा हूँ कुछ गर्मा गर्म मिल जाए, पका पकाया, यहाँ पे देख रहा हूँ लगता है ऑमलेट उमलेट मिल जाएगा। भैया रेड ऑमलेट हो जाएगा, रेड ऑमलेट क्या हो, कुछ है अभी समोसा है गर्म? चलो भाई समोसे है ना, गरम है ना, दो दे दो, दो गर्मा गर्म समोसे हैं और ब्रेड ऑमलेट भी था बट वो ठंडे थे। झांसी शहर का मैंने 2-3 ब्लॉग भी बनाया है, यहाँ का फेमस फूड, फेमस स्ट्रीट फूड और झांसी फोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा ट्रैवलर ऋषि पे। ट्रेन झांसी से रवाना हो चुकी है और ठीक हमारे सामने वाले प्लेटफॉर्म पे हजरत निजामुद्दीन वास्को डी गामा एक्सप्रेस जस्ट आई है झांसी। समोसे गर्म है, सफर पर निकले हो या लंबे लोगों के लिए लंबे बस स्टेशन व गाड़ियां प्रदान। झांसी से खुलने के बाद ट्रेन रुकी थी ग्वालियर और मुरैना, अब मुरैना के बाद इसका स्टॉप पे जाता है आगरा। ग्वालियर और मुरैना हमने पूरा कवर कर चुके थे, इसलिए हमने सोचा इस वीडियो में दोनों स्टेशन स्किप करेंगे और ये तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाता है, दो स्टेशन स्किप किया है। बाकी चलिए देखते हैं अराइवल आगरा स्टेशन पे।
ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है आगरा कैंट। 9:05 पे टाइम था, 3 मिनट लेट 9:08 पे आई है। हम लोग ने हबीबगंज से आगरा तक की, आगरा तक 513 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। गाड़ी अपने निर्धारित समय केवल 2 मिनट के लिए रुकेगी। यदि आप मथुरा स्टेशन पर उतर रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सहज और सुखद रही होगी तथा आप हमें जल्द ही पुनः सेवा का अवसर देंगे। नौ बज के 47 मिनट पर टाइम था, आप टाइम देख रहे हैं एकदम राइट टाइम, मतलब कह सकते हैं 1 मिनट बिफोर आई है मथुरा जंक्शन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है और ज़्यादा समय का स्टॉपेज नहीं है, 1 मिनट का स्टॉपेज है। जानते हैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल के लिए जाना जाता है, द बर्थ प्लेस ऑफ गॉड श्री कृष्णा। ट्रेन हमारी आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन गजब का भीड़ था 3 नंबर प्लेटफॉर्म के पास। गजब की रफ्तार से स्किप किए फरीदाबाद को, मान लगा स्टेशन उड़ जाएगा, स्टेशन को उड़ाते हुए निकली है भोपाल शताब्दी, मान गए भाई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली और 10:20 बिफोर नई दिल्ली आई है। इसमें आज जर्नी करके पता चला क्यों है लोगों की फेवरेट, सही में मज़ा आ गया जर्नी में। चलिए होप आपने जर्नी एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।